बोलिए क्या प्रॉब्लम है अंकल आपको यहाँ पे? भाई जी ये जो बनाया रोड बनाया है नीचे वाला, रूम पाइप डाल के बनाया है। कहाँ पे बनाया गया है? जो नीचे है बताइए। आइए आइए दिखाइए। ये जो पुल है अभी बनाया वाला, लेकिन गाड़ी वगैरह सब जा रहा है यहाँ से, देख रहे हैं ना। हाँ हाँ अंकल जी, कौन सा नाम क्या है जगह का? दोराटांग ब्रिज का एनएच वाला बनाया है, और जो टेम्पररी बनाया जो है नीचे पूरा पाइप डाल के उन्होंने बनाया, ऊपर मट्टी डाला है या। अब पाइप ब्लॉक हो गया, ऊपर में पानी पूरा जाम हो गया। अब वहाँ में पूरा गांव का घर डूब रहा है, बगीचा डूब रहा है लोगों का। मैंने फोन करके इन लोगों को एनएच वाले को बताया, तो ये दो घंटा बाद में उन लोग आए, चार जन आए, आके लेबर लोग आके तमाशा देखता है। और अंकल जी पुलिस को कवर दिया, पुलिस भी अभी तक नहीं पहुंचा। अभी एक इंसिडेंट हो गया, एक बाइक वाला आया सीधा पानी लेके बाइक वाला को खींच के नाला में फेंक दिया, लेकिन बच्चा हो गया, तैर नहीं जानता, तो आदमी बच गया, लेकिन उसका बाइक चले गया नाला में, पानी में चले गया। तो फिर अंकल इसको दोष किसको देंगे हम लोग, प्रधान को या पुलिस वाला को या डिपार्टमेंट को? पुलिस का नहीं है, यह एनएच वाला का फॉल्ट है, जबकि आप देखिए पुल बन चुका है, थोड़ा सा कमर से पुल में आराम से जा सकता है, काम करते हुआ करता नहीं उन लोग, लोगों को मारने के लिए एनएच वाला हमें उतारा गया हमारा सरकार जी, अंडमान का आदमी लोगों को खत्म करने के लिए यहाँ में उतारा गया एनएच वालों को। रास्ता तो नहीं बना है, लेकिन जब तक 15 जन का जान चलन जाएगा नहीं, इन लोग का उतरेगा नहीं। अब हम बोलते हैं पब्लिक उतरेगा, ये एनएच वालों को अंडमान से भगाना पड़ेगा, रहने दो, हम लोग जो मरने का मरेगा। इसके ऊपर प्रशासन अगर सही काम नहीं लिया, हालत खराब हो जाएगा। तो प्रशासन को फिर आप क्या बोलेंगे? बोलने की उन लोग क्या अंग बन करके बैठा है ना, LG से लेकर सेक्रेटरी आता है, उन लोग हेलीकॉप्टर में आकर घूम कर महेंद्र में आकर चले जाता है, ये रोड देखने वाला कोई नहीं है। गाड़ी में भी तो आते हैं। कौन आते है गाड़ी में? गाड़ी में भी आते हैं, देख के जाते हैं, जब सूखा सूखा रहता है तब। जब पब्लिक को बोलेगा 15 दिन में ठीक कर देगा, वो 15 दिन में 15 साल होने से भी होगा नहीं है। ओके ठीक है, लेकिन अभी जो फिलहाल एक इंसिडेंट एक्सीडेंट हुआ है ना, उस मामला में आप क्या बोलना चाहेंगे? दोबारा इस तरह होना कि नहीं होना? उसका जो बाइक का खर्चा जो है एनएच वाला को जाकर देना पड़ेगा, नया बाइक खरीद कर देना पड़ेगा उसको जी। वो गरीब लड़का है, बहुत तकलीफ करके अपना बाइक जुगाड़ किया हो जी, यही के लड़का है, उसको पता नहीं तो इतना पानी है करके यही पानी से गिया हो, जैसे वापिस आया था वहाँ से पानी जोर हो गया, उसको बहा के लेके चले गया, लेकिन वो तैरने जानते हो के बच गया हो, उसका टांग में आप देखिए टांग से टोट ले गया, टांग से पूरा खून आ रहा है, अभी पूरा दिखा बाइक पूरा नाला एकदम पानी लेके चले गया। ये सब ओके थैंक यू। एनएच वाला का ड्यूटी है, उसका नया बाइक खरीद